अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक बहुत ही ख़ास बात मैं आज कहने जा रहा हूँ आप सब लोगों से, सभी भाइयों से, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि परेशान हाल में लोग ये बात को समझ नहीं सकते और जहन में लाते भी नहीं हैं, और जो उनके साथ में जाते हैं उनको भी गफलत में या परेशानी में समझ में नहीं आता है। तो इस रमज़ान मुबारक में हमने कई बार कब्रिस्तान का ज़ियारत किया, एक दो बार तो मेरे ख़ास अजीज़ अपने दोस्त के वाइफ का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी जाना पड़ा। आज भी हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ एक मेरे ख़ास दोस्त का माँ का इंतकाल हो गया था। तो ख़ास बात बताना ये है कि जब कुछ दिन पहले हम कब्रिस्तान गए, कफन के शॉप पे पहुँचे, कफन के लिए मट्टी मंजिल के लिए, तो दोस्त मेरा एक मिडिल क्लास ही है, कोई काफ़ी पैसे वाला नहीं है, तो वहाँ किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं ये देखने वाली बात, ये सुनने वाली बात है, आप ज़रूर सुने। ऐसे कि सभी जानते हैं कि सोलेआना मस्जिद और कब्रिस्तान में जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के काम जरिए काम हो रहा है, गोरखन भी वहाँ रहते हैं और भी काफ़ी केयर टेकर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जब कफन दुकान में गए तो वहाँ पे 6,500 का बिल किया गया, कफन प्लस गोरखन का 1500 रुपये और बांस वगैरह, तो उतना तो डिटेल उस वक्त नहीं लिया गया क्योंकि लोग काफ़ी परेशान थे, हम लोग भी काफ़ी परेशान थे। जब शाम हुई, जब मेरे नॉलेज में ये आया कि गोरखन का 1500 रुपये लिया गया और 6,500 रुपये बिल किया गया, मुझे एक बात एहसास हुआ कि मिडिल क्लास और गरीब जिस कदर परेशान है आज इस महंगाई में, मुद्दा तो काफ़ी है, हर मुद्दे पे लोगों को जहाँ जहाँ तक ज़हन जा रहा है उनको काम करना चाहिए एज अ सोशल वर्कर। एज अ सोशल वर्कर मैंने भी इसकी दरियाफ्त की कि भाई हमारे हिंदू भाई के उनकी माँ का इंतकाल हो गया था, एक दिन मैं उनके वहाँ पे गया था कब शमशान घाट, तो वहाँ उन्होंने काउंसलर का सर्टिफिकेट दिया और उनको 2000 रुपये मिली और आराम से उनका काम भी हो गया, परेशानी भी नहीं हुई, वो भी हमारे मिडिल क्लास भाई गरीब भाई थे। तो यहाँ जो इनको इतना पे करना पड़ा 6,500 रुपये, तो इससे ये जाहिर हो रहा है, मेरे दिमाग में नॉलेज आया कि भाई इतना जो एक आम आदमी पे करेगा तो आज का सैलरी क्या है एक पब्लिक का, आम आदमी का, जिस किसी का तो गवर्नमेंट नौकरी ज़्यादातर देखा जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा 10,000-12,000 रुपये में काम करते हैं लोग, 8,000 रुपये में काम करते हैं, कितने भाई तो ऐसे भी है जो 6,000 में भी काम करते हैं, तो 6,000-6,500 अल्लाह ना करे किसी के घर पर मौत हो जाए, मौत तो बरह के सबको आना है, मेरी भी आएगी, सबकी आएगी। इसके लिए हमने आज वहाँ के ऑफिस में दरियाफ्त किया कि भाई इतना जो पैसा लग रहा है ये किस बात का लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऑप्शन तो काफ़ी है मगर लोग पूछते नहीं हैं, गलती हम लोगों की है कि हम 600 का कफन 2500 में खरीदते हैं, ऐसे ना हो तो एक दूसरे से उधार कर्ज लेकर के कर लेते हैं। कितना जगह देखा गया, बहुत सा जगह देखा गया कि चंदा भी उठाया गया कफन दफन के लिए। तो एक अहम जो सबसे अहम बात है मैं वो बताना चाह रहा हूँ अपने
गरीब भाइयों के लिए, अपने मिडिल क्लास भाइयों के लिए और सभी के लिए, सभी को नॉलेज में देना चाह रहा हूँ कि कफन आप चाहे जितने में भी लें, 600 में ले, 1200 में ले, 2000 में ले, पर जो फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ का, सोलियाना मस्जिद का और भी काफ़ी कब्रिस्तान का जो फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ पे, अगर आप नॉर्मली जाते हैं तो 100 रुपये सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ 100 रुपये आप वहाँ पे करेंगे, आपको वहाँ जगह भी मिलेगी, गोरखन अपना काम करेंगे और उनको करना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं लगता। अगर आप कोई मिडिल क्लास परेशान हाल है, कोई गरीब जिनके पास 100 भी नहीं है या कफन का पैसा भी नहीं है, तो उनके लिए यह है कि वो अपने काउंसलर के पास से एक सर्टिफिकेट ले आए और वहाँ जाके ऑफिस में जमा कर दे, उसी कब्रिस्तान के ऑफिस से, चाहे वो कोई भी कब्रिस्तान हो, वहाँ से आपको 2000 का रकम मिलेगी, साथ साथ आपको 2000 के रकम से कफन भी ले सकते हैं, वहाँ गुसल करने का भी इंतज़ाम रहता है, वो भी फ्री होगा, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता। ये जानकारी है कि हम आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों के नॉलेज में भी नहीं था, ऐसे हम लोगों के और भी भाई लोग हैं जिनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, तो इसमें गौर व फिक्र करें भाई। मेरा कहना यही है कि नाजायज़ पैसा किसी को ना दे। शुक्रिया। किसी शायर ने कहा बहुत ही अच्छा एक शेर, दो गज जमी सही मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको ज़मींदार बना दिया। तो ये ज़मींदारी जो है वो सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके आरजू है, मिन्नत है कि ज़मींदारी रहने दे, कम से कम किसी के मौत पे तो बेनिफिट ना उठाए। और आम आदमी से, सभी भाइयों से ये इल्तिजा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि अगर कोई भी गरीब या मिडिल क्लास परेशान हाल है, आसपास में उनका इंतकाल हो रहा है या उनके घर में हो रहा है, किसी का भी कहीं से ये खबर मिल रहा है, तो ये अहम बात बताई जाए, सभी को नॉलेज में दिया जाए कि सिर्फ कफन का पैसा लगेगा, वो कफन चाहे आप कहीं से भी खरीदें, वो कफन का भी 600 से ले कर 1200-800 जैसा रेट है, और कब्रिस्तान में सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है। अगर वो भी ना दे सके, उनकी माली हालत उस वक्त परेशानी हाल में ख़राब हो, तो उनसे ये आरजू है कि वो अपने काउंसलर से एक सर्टिफिकेट बनवा लें और वो सर्टिफिकेट लेकर के जाए कब्रिस्तान में, वहाँ पे उनको 2000 रुपये दिया जाएगा, जिससे वो कफन भी ले सकते हैं और अपना सारा काम भी कर सकते हैं। एक अहम बात कि किसी भी परेशान हाल को अगर अल्लाह ना करे उनको कफन की ज़रूरत हो, तो वो हमारे इस नंबर पे फ़ोन करें, 9088333785, उनको ये कफन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा हमारे सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अदारा की तरफ से। और अगर उनको किसी भी तरह से दुश्वारी हो रही हो सर्टिफिकेट बनाने में या सोलियाना कब्रिस्तान तक ले जाने में आने में, तो भी हमसे दरियाफ्त करें, बाकी यह काम भी हम लोगों की टीम पूरी कर लेगी। शुक्रिया। एक संदेश मैं अपने तमाम नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू भाई को भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह जो सुविधा हमारे कब्रिस्तान में दी जा रही है, या तो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन और या तो आप काउंसलर का सर्टिफिकेट ले जा करके 2000 रुपये हासिल करके अपना मिट्टी मंजिल का काम करें, उसी तरह शमशान घाट में भी सेम सुविधा उपलब्ध है सरकार की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से। तो आप लोग भी ये चीज़ को जानकारी में लें
और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें ये बात को, अपने दोस्त अफराद से कहें, अपने भाइयों से कहें, अपने बड़े बुजुर्गों को बताएं, सभी को ये अवेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हम लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है।